एक सवाल हमसे बहुत सारे लोग पूछे हैं कि सर पहले पेंट का काम करें कि भाई वायरिंग का काम करें, पूरा बोर्ड वोर्ड फिक्स कर दें, कौन सा तरीका सही है। और कुछ जगह तो देखा जाता है कि पहले पेंट का काम कर दिया, फिर वायरिंग का काम जब करने लगता है तो फिर पेंट में दाग आ जाता है, ठीक है, जो कि सही नहीं। फिर से आपको वहां पे दोबारा तो पेंट करेंगे तो सिर्फ वहां पे ज्यादा लाइट डिप दिखेगा। तो अब इसी चीज को, कंफ्यूजन को हम यहाँ पे दूर करेंगे और आपको हम सरल तरीका बताएंगे कौन सा तरीका आपको लेके चलना है कि पेंट करें या इलेक्ट्रिक का काम करें। देखिए, इस चीज को जानने के लिए हम आपको बता दूं कि पेंट का जो स्टेप है, तीन स्टेप है, जिसमें पहला आता है आपका पुट्टी करना, सिंगल कोट पुट्टी, फिर उसके बाद डबल कोट पुट्टी, एक और पुट्टी, फिर घिसाई। तो पुट्टी का एक स्टेप हुआ, दो कोट पुट्टी का, फिर एक कोट प्राइमर का हुआ, और फिर दूसरा जो है दो कोट फिर से जो है पेंट का आएगा। पहला कोट में शाइनिंग नहीं आता है, दूसरा कोट में फिर शाइनिंग आपका आएगा। तो अब ये हो गया आपका पेंट का काम, ठीक है। अब बात कर लेते हैं वायरिंग वाला काम को लेकर के। जाए वायरिंग क्या होता है, सबसे पहले जब ईट की चिनाई करते हैं तो उसको कटिंग करके हम लोग क्या करते हैं, कंसील पाइपलाइन लगाते हैं, मॉडुलर लगाते हैं, आरजे लगाते हैं, ठीक है। फिर प्लास्टर कर देते हैं दीवार को, फिर तब क्या करते हैं हम लोग वायर खींचते हैं, वायरिंग का काम करते हैं। फिर वायरिंग के बाद क्या होता है, हमें स्विच बोर्ड फिटिंग करते हैं, और फिर जहां जहां आप स्विच बोर्ड फिटिंग कर दिए, जहां जहां स्विच बोर्ड हो, आरजे हो, सब कुछ फिक्स करके रख देते हैं। ये हो गया पुट्टी का काम और इलेक्ट्रिक काम। लेकिन जो है अब इसका स्टेप क्या है उस पे हम चलेंगे, किस बेसिस पे हम चले भाई, जिससे क्या है कि मेरा कोई भी तरह का दिक्कत ना हो। पहले पेंट कर देखे ना, तो पहले पेंट करना ना पहले इलेक्ट्रिक का काम करना, दोनों को साथ में लेकर चलना है। वो कैसे कि सबसे पहले क्या है, प्लास्टर से पहले हमें जो है कंसील पाइपलाइन कर दिया, मॉडल लगा दिया, पूरा प्लास्टर करके जो है मॉडलर मॉडलर बोलने दिखेगा बस। फिर देखिए अब यहां पे क्या आता है, ये जब काम हो गया तो आप एक काम कर सकते हैं कि वायर खींच सकते हैं, वो पुट्टी से पहले कर दीजिए, जिससे क्या है कि जब पुट्टी करेगा, जब वायरिंग का काम खींचेगा तो उसके ऊपर पुट्टी के ऊपर भी दाग नहीं लगना चाहिए। यानी तो सिंगल कोट पुट्टी के बाद भी कर सकते हैं, मतलब पुट्टी सिंगल कोट पुट्टी के बाद वायर खींच देना है और उसको लटका करके छोड़ देना है, ठीक है। फिर अब यहां पे आएगा डबल कोट पुट्टी करना है, ठीक है, डबल कोट पुट्टी कर दिए, अब हर जगह वायरिंग वायर निकला हुआ है, डबल कोट पुट्टी किए, फिर उसके बाद आपका जो है डबल कोट सेकेंड कोट पुट्टी मार दिए, फिर उसको घिसाई कर देते हैं। घिसाई के बाद अब यहां पे भी दो चॉइस आपका है, अब घिसाई के बाद भी आप जो है यहां पे स्विच बोर्ड लगा सकते हैं, क्योंकि इसके बाद प्राइमर और पेंट का काम आएगा। अब या नहीं तो प्राइमर और पेंट का काम कर दीजिए और स्विच बोर्ड वो लगा देगा, लेकिन इसमें भी गंदा होने का चांस रहता है। तो आप घिसाई के बाद ही जो है प्राइमर से पहले आप स्विच बोर्ड सबका लगा दीजिए, फिर प्राइमर यूज करेगा, फिर पेंट यूज करेगा। मतलब ये हो गया कि दोनों काम साथ लेके चलना है, ऐसा नहीं कि मतलब पहले पुट्टी प्राइमर की बात, पुट्टी और चाहे इलेक्ट्रिक की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, तभी जाकर के ये काम प्रॉपर तरीके से हो पाएगा, समझे। तो उम्मीद करते हैं यहाँ पे कोई भी तरह कंफ्यूजन आपको नहीं रहा होगा, और देखिए इजी तरीके से आपको चलना है। और इसी में जो है कहता था पहले टाइल का काम करें कि पहले पेंट का काम करें, हम तो हर जगह मैक्सिमम जगह रिफर किया हूँ, पहले टाइल काम कर लीजिए तब जाकर के पेंट का काम कीजिए, क्योंकि अगर पहले पेंट कर लेंगे फिर जब टाइल करेंगे तो उस समय फिर स्केटिंग के पास आपको जो है फिर से प्लास्टर का ढकना पड़ेगा, और उससे जब टाइल लगाने से मुझे सीमेंट मसाला जो बनेगा तो और वो आपको पूरा पेंट को गंदा कर देगा। तो पहले टाइल काम कीजिए, उसको प्रॉपर तरीके से कवर कर दीजिए, फिर तब जा करके पेंट का काम कीजिए। यहाँ तक तो क्लियर दोस्तों, तो ये कन्फ्यूजन दूर हो गया। और भी कुछ कुछ डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट करके। अगर आपको पर्सनल कंसल्टेंसी चाहिए तो आप नंबर मेरा इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चाहिए व्हाट्सएप टैब में भी, वहाँ पर हमें कॉल करके पर्सनल कंसल्टेंसी ले सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा, और पसंद जरूर इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, खास करके हमारे चैनल वाग सब्सक्राइब कर दीजिए।
क्योंकि जैसे ही आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करेंगे उसके बगल में एक बेल आइकन बन जाए, उसको क्लिक कर दे, उससे बेनिफिट बस ये होता है जब जब सिविल इंजीनियर दीपक कुमार को नया वीडियो आपके लिए आएगा सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन में देखेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।